दोस्तों, मैं हूं साहिब। यूट्यूब चैनल टेकी ट्वीक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम रिव्यू कर रहे हैं लिनोवो के नोट का कैमरा का। ये जो फुटेज आप स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं, ये के नोट के 13 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा से आ रही है। ये फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप क्वालिटी को देख सकते हैं कि मेरा फेस इसने काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया है। हालांकि कंडीशंस वेदर अच्छा है और कंडीशंस भी लाइटिंग के लिए मैं बोलूँगा ठीक है। और डायनामिक रेंज आप खुद देख सकते हैं कि मेरे फेस पर एक्सपोजर अच्छा है, उसके बाद भी ये क्लाउड्स अच्छे से विजिबल हैं, तो ओवर एक्सपोज नहीं करा इसने। और पीछे ग्रीनरी जो है आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो ऑडियो आ रहा है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन भी आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे सैंपल शॉट्स लगाऊंगा आपको। अगर लिनोवो के नोट के कैमरा के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अब जो आप ये सारी इमेजेस देख रहे हो, ये आ रही हैं लिनोवो के नोट के रियर फेसिंग कैमरा से, जो कि 13+5 मेगापिक्सल। आप देख सकते हैं कि इनमें काफ़ी अच्छी कलर रिप्रोडक्शन है, नेचुरल लगते हैं, कोई ज़्यादा इनमें सैचुरेशन कंट्रास्ट नहीं है। जो भी आप इमेजेस लेंगे अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आप HDR को अगर अनेबल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि शेडोज़ में से काफ़ी सारी डिटेल आ रही है और इमेज जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगती है HDR को अनेबल करने के बाद। फोकसिंग इसकी गुड लाइटिंग कंडीशंस में काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपके पास लाइटिंग कंडीशंस अच्छी हैं तो इसकी जो डायनेमिक रेंज है और ओवरऑल इमेज परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर अगर मैं बात करूँ मैक्रो शॉट्स की, तो उनमें इसकी फोकसिंग को आपको थोड़ा सा अपने हैंड्स को स्टेबल रखना पड़ता है, आप काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर मैं एवरेज या इंडोर लाइटिंग कंडीशंस की बात करूँ, आप देख सकते हैं कि कई बार ये हल्का सा ओवर एक्सपोज कर देता है, पर इमेज में काफ़ी सारी डिटेल है। अभी आपने देखा कि मॉनिटर को इसने ओवर एक्सपोज कर दिया था, पर अगर आप जूम भी करेंगे इमेज में आपको डिटेल मिल जाएगी। कलर रिप्रोडक्शन फिर से इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी है। आप बोके इफेक्ट जो है आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कलर रिप्रोडक्शन फोकसिंग आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी अच्छी है। पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इमेज परफॉर्मेंस की, कंसीडर करते हुए ये एक मिड रेंज डिवाइस है, तो ये काफ़ी डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है, G5+ बेहतर है। और दोस्तों, अगर आपको इस डिवाइस के डेप्थ मोड या बोके इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि ड्यूल कैमरा से आता है, अभी के लिए वो इतना बढ़िया से ऑप्टिमाइज नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस जो है मैं कहूँगा एवरेज सी है, क्योंकि इतनी बढ़िया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, पर वो सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो फुटेज आप देख सकते हैं, ये आ रही है लिनोवो के नोट के रेयर कैमरा से, ड्यूल कैमराज है इसमें, और ये भी 1080p तक होगी। और फुटेज की क्वालिटी के बारे में अभी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, पर डायनामिक रेंज मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि क्लाउड्स विजिबल हैं। और आप देख सकते हैं कि विंड चल रही है, तो ऑडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो पिकअप कैसा, आप उसे चेक कर लो। वीडियो स्टेबलाइजेशन अभी मैं चल रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगी कैसी है। अभी मैं यहाँ से पैन करके दिखाऊँगा, आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको फोकसिंग भी दिखाऊंगा इसकी, उससे पहले हम थोड़ी डिटेल लेवल चेक कर लेते हैं इसका जूम करके। और ये जूम एक्चुअली कैसे करता है मुझे, हाँ जूम, आप देख सकते हैं कि डिटेल लेवल इसका एवरेज है। और हम अभी जूम आउट कर लिया है हमने, तो अभी देखते हैं इसकी फोकसिंग। तो देख सकते हैं कि फोकसिंग स्पीड डिसेंट थी इसकी, आपको टैप टू फोकस भी मिल जाता है। दोस्तों, अभी जो आप ये इमेजेस देख रहे हैं, ये आ रही हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा से, जो कि 13 मेगापिक्सल का है। इसकी सबसे बेस्ट बात ये है कि इसकी डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि स्काई को इसने कैसे अच्छे से एक्सपोज किया, डिटेल काफ़ी अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छी है, और ये काफ़ी वाइड कैमरा है। इंडोर लाइटिंग कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत कम हो जाती है, पर फिर भी मैं कहूँगा कंसिडर करते हुए इस बजट डिवाइस है, बहुत ही बढ़िया फ्रंट फेसिंग कैमरा है इस डिवाइस का। तो दोस्तों, ये जो फुटेज आपको अब आ रही है वो लिनोवो के फ्रंट फेसिंग कैमरा से आ रही है, एवरेज लाइटिंग कंडीशंस में बोलूंगा, जो इंडोर लाइटिंग होती है। अभी भी लाइट तो थोड़ी आ रही है, पर इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम है। उसके बाद मैं आपको एक फीचर दिखा दूँ कि इसके आगे की तरफ जो फ्लैश देगी है, वो आपको आप उसको ऐसे अनेबल कर पाएंगे।
दोस्तों अगर आप इस डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं, जो पीछे की तरफ दो कैमरास दिए गए हैं 13+5 मेगापिक्सल के, उनके परफॉर्मेंस जब लाइटिंग अच्छी है बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आजकल और भी डिवाइसेज है गुड लाइटिंग कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, पर यहाँ पर आपको जो डायनेमिक रेंज मिलती है वो काफ़ी अच्छी है। आपने देखा कि पीछे जो क्लाउड्स थे वो काफ़ी बढ़िया से एक्सपोज किए थे, ओवर एक्सपोज नहीं किया था, डिटेल्स थी इमेज में, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो मज़ा आ गया यार इस डिवाइस की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने में, और स्टेबिलाइजेशन भी मैं ठीक कहूँगा बेस्ट था इसका, साउंड आउटपुट वो था, पर थोड़े से फोकसिंग इश्यूज हैं। उसके बाद अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और इमेज क्वालिटी की बात करूँ एवरेज लाइटिंग कंडीशन में, वो तो आपको पता ही है कि एवरेज ही होंगे, बजट डिवाइस है तो उसकी तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, पर वो थोड़ा बहुत इंप्रूव जरूर कर सकते हैं, पर फिर भी कहूँगा जो साउंड आउटपुट था, कलर रिप्रोडक्शन थी वो अच्छी थी। फ्रंट फेसिंग कैमरा पर आ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल है, काफ़ी वाइड है, फ्लैश भी दी गई है, तो अच्छा फ्रंट फेसिंग कैमरा यार, गुड लाइटिंग में भी अच्छा है, एवरेज लाइटिंग में भी अच्छा, मुझे ये फ्रंट फेसिंग कैमरा वाइड और अच्छा लगा, ये बिल्कुल ठीक है। जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए, आपने वहाँ पर देखा कि जो वेदर थी बहुत ही विंडी थी, उसके बाद भी ऑडियो पिकअप बहुत अच्छा था, तो लिनोवो को क्रेडिट देना चाहूँगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी थी, पर एवरेज लाइटिंग में आपको देख सकते हैं कि कैसी कंडीशंस हैं। तो ओवरऑल कैमरा इसका यार काफ़ी डिसेंट है, बहुत ही बढ़िया नहीं है, बहुत ही बुरा नहीं है, बजट के अकॉर्डिंग अच्छा है, आपको बेस्ट चाहिए तो मोटो G5 Plus है। दोस्तों अगर आपको ये मल्टीमीडिया डिवाइस अच्छा लगा और आप पर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ले लीजिए, अगर आपने कोई और भी डिवाइस लेना तो भी हमारे लिंक से लेना, चैनल की हेल्प होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जल्दी से यार कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो। कोई Never miss the latest video from Techie Tweaks. Just stay subscribed to our channel and enable the notification bell on your desktop as well as on your mobile phone.